हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको अपना जो मिनी पावर टिलर है बली राजा का, इसका ऑयल चेंज करना है। इसका आपको ये जो इंजन देख रहे हैं ये 6.5 HP का है, तो इसका ऑयल कब चेंज करेंगे आप? तो ये अपने मल्ले में आपने लेके आ गए हैं इसको, तो इसका भी ऑयल चेंज करे हैं। तो ऑयल चेंज करने के लिए आपको इस जगह का नट खोलना है, इसका इस सेंटर में रहता है इस तरह का स्टड्स रहता है। तो ये साइड में फिट होता है, ऐसा घुमाएंगे राइट में तो फिट होता है और ऐसा खुलता है, इस तरह लेफ्ट में घुमाएंगे तो खुलेगा, राइट में फिट होता है। तो इसको अभी ऑयल चेंज करेंगे। और ये कितने नया वाला जब लिया आपने, तो इसको स्टार्टिंग में 15 घंटे के बाद में ऑयल चेंज करना है। तो 15 घंटे के बाद में आपको 10W40 में डाल रहा हूँ, फुल सिंथेटिक यमालुक का। ये देख सकते हैं, जो मोटर बाइक में मैंने 3000 किलोमीटर चलाया है वही निकाल के मैं इसमें यूज करता हूँ। मेरा मोटरसाइकिल का जो अपना होंडा शाइन का जो ऑयल है उसी को निकाल के मैं इसमें यूज करते रहता हूँ। तो ये फुल सिंथेटिक ऑयल है, तो इससे इंजन गर्म नहीं होता है और काफ़ी कूल चलता है। तो अभी 10W40 से, तो 10W40 का अभी मैं इसमें आपको 550-600 ml बैटरी का ऑयल। तो किस तरह ऑयल डालना है, इस कैप से, दोनों कैप से, किधर से भी डाल सकते हैं। तो ये दोनों कैप आपको खोल लेना है ये, और इस साइड से डालेंगे। जब इधर ये साइड से गिरने लग जाएगा ऑयल तभी आपको बंद कर देना है, उसी तरह आपको इसमें से ऑयल डालना है और समांतर जगह पे लेवल पे इसको सरफेस पे डालना है। तो अभी इसको मैं अभी 15 घंटे पे बदला है, अभी इसको मैं 50 घंटे पे बदलाऊंगा और डायरेक्टली फिर 100 घंटे के बाद में आपको ऑयल चेंज करना है इस मशीन का। तो इस मशीन का मैं जब से इस फुल सिंथेटिक ऑयल इसमें यूज किया हूँ तो हीटिंग कम हो रहा है और स्टार्टिंग भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो मैं इसमें भंगार ऑयल यूज करता 200-250 रुपये लीटर का, सेमी सिंथेटिक या अपना मिनरल, तो ये स्टार्टिंग को प्रॉब्लम देता है। तो मैं फुल सिंथेटिक ऑयल यूज कर रहा हूँ तो चालू होने में भी काफ़ी आसानी हो रही है और चलने में भी अच्छा चल रहा है। तो मैं अभी इससे आगे अपना बाइक का जो 3500-4000 किलोमीटर पर चलता है तो वही यमालुक चेंज करता हूँ और उसको निकाल के मैं मैकेनिकल से लेके आया हूँ। और अब यही ऑयल मैं इसमें फिलअप करने वाला हूँ। आप नया भी डाल सकते हैं दोस्तों, मगर मैं ये ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, 2500-1000 किलोमीटर चलाता हूँ। 2500 किलोमीटर के बाद में मैं चेंज कर लेता हूँ ऑयल और अपना इसमें गाड़ी के लिए रख लेता हूँ। तो इसीलिए मैं अभी चेंज करूँगा इसको। और अब इसको मेरे को इसमें फिलअप करना है और ये मेरा ऑयल निकला है, देख सकते हैं इतना ऑयल इसमें, ये ऑयल मैंने इसमें से इंजन से निकाला है। तो ये 15 घंटे के चलने के बाद में भी अच्छा ऑयल है अभी भी क्वालिटी इसका, मगर इसमें जो बर रहता है वो बर आ जाने की वजह से अपन इसको ऑयल चेंज करते हैं। तो ये ऑयल अच्छा है अभी भी, मगर इसमें थोड़ा बर आने की वजह से अपन इसको चेंज कर रहे हैं। तो इसमें जो इंजन घर्षण होता है उससे इसमें बर आ जाती है, इसके लिए इसको ऑयल चेंज कर लेंगे। तो अभी इसको चेंज करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस पे भी आपको देख सकते हैं, इस पे भी गेज आता है और इस पे H और L लिखा दिख रहा है। तो H पे आपका हाई होता है और L पे, इस पे भी लेवल मीटर पे देख सकते हैं। तो ये भी इसके साथ में मिल जाता है, इस पे हाई लो, इस पे भी आप नाप सकते हैं कितना लेवल इसका ऑयल का है। तो ये देख सकते हैं हाई लो, ये आपको पोंछ लेना है कपड़े से अच्छे। और अभी मैं एम्प्टी किया हूँ, अब ऑयल इसमें फिलअप करने वाला हूँ, तो तभी आपको मैं दिखाऊंगा। ऑयल डालने से पहले दोस्तों आपको इस पे आपका जो नट है वो लगा लेना है और उसके बाद में आपको इसमें ऑयल फिलअप करना है। तो ये जो नट है ये नट लगा देंगे इस पे, ये नट अच्छी तरीके से आपको इस पे कस लेना है। 12 नंबर का पाना लगता है इस पे, आप रिंग या पट्टी यूज कर सकते हैं। अभी दिखाता हूँ, ये 12 नंबर का पाना है, ये इस पे लग जाता है। तो इससे अभी फिट कर लेंगे। और ऑयल डालते वक्त ये साइड की कैप भी खोल लेंगे, इससे आपको समझ में आता है कि ऑयल कितने लेवल तक आ चुका है। दोनों साइड से इसको भर सकते हैं और मैं भी फिलअप करने के बाद में बताता हूँ आपको।
आपके पास ऐसा चाय का कप होगा तो उसको ऐसा फोल्ड करके आप इस तरह का ऑयल डालने के लिए बना सकते हैं। ये देख सकते हैं चाय के कप का ऊपर से कट कर लिया है और इसको इस तरह से रख के इसमें ऑयल फिलअप कर लेंगे। जब तक वो साइड से ऑयल नहीं आएगा तब तक अपन डालेंगे। दोस्तों देख सकते हैं इस जगह से ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये साइड से ऑयल आने लग गया है, तो अभी इसको बंद कर देंगे। और इसमें भी देख सकते हैं तक हमने ऑयल डाल दिया है, तो अभी इसको लॉक करेंगे। इसको अच्छे से पोंछ लेना है, इस पे धूल मिट्टी ना लगा हो, और काफी अच्छे से पोंछ लेने के बाद में इसको लगा देंगे इस ढक्कन को। और इसको टाइट कर लेंगे और ऑयल थोड़ा सा डाल देते हैं और क्योंकि ये जो फुल सिंथेटिक ऑयल होता है थोड़ा गर्म होने के बाद में थोड़ा कम हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा और डाल लेते हैं। ये थोड़ा बाद में कम हो जाता है, इसको थोड़ा और भर लेंगे। ढक्कन को भी टाइट कर लेंगे अपन। काफी अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और मैं आपको लेवल भी दिखाऊंगा इसका किस तरह से आया है। तो ये हो गया हमारा अभी ऑयल, तो अब इसको स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। तो आपको स्टार्ट का प्रोसेस बता देता हूँ दोस्तों किस तरह से स्टार्ट करना है। ये जो देख रहे हैं ये पहले चालू करने से पहले ये देख सकते हैं ये ऑफ है, अब इसको हमने ऑन पे कर दिया है। ये देख सकते हैं ऑफ ऑन, अब इसको पहले ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में इधर ज़्यादा रेस होता है इधर कम होता है, तो कंपनी से थोड़ा डिफॉल्ट रहता है, तो थोड़ा इधर कर लेना है। अभी इसको मैं सेट कर दिया हूँ। अभी ये पेट्रोल कॉक बंद है, ये देख सकते हैं ये पेट्रोल कॉक इधर लाल निशान दे रखा है, अभी इधर ये चालू हो जाएगा पेट्रोल कॉक। और जब आप मशीन खड़ा रखते हैं तभी इधर ऑफ में रखना चाहिए आपको, और जब आप चलाते हैं तभी इधर रखना है। और ये चेक जो है ये चालू करना पड़ता, जब की स्टार्ट करेंगे और चालू हो जाएगा तभी इधर कर देना है, नहीं तो तेल ज़्यादा खाएगा आपका। और अभी चालू करने तक इधर रखना है, जब ये दूरी खींचेंगे चालू हो जाएगा तभी ये आपको इधर कर देना है, और फिर आप आराम से आपका चला सकते हैं। तो मैं भी चालू करके दिखाता हूँ किस तरह चालू करना है। तो इस तरह से दोस्तों अभी जॉइंट हो चुका है, ये पेट्रोल की वजह से खराब हो जाता है ऊपर की टंकी, पेट्रोल गिरने से थोड़ा सा डैशिंग दिखने लग जाता है, तो इसको अभी पोंछ लेंगे अच्छे तरीके से।